झारखंड में दूसरे फेज के तहत 38 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया है। इससे पहले 13 नवंबर को ही राज्य की 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग समाप्त होने के बाद एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। इसके अनुसार सीएम हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी संभव नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 17 से 27 सीटें और JLKM को 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 45%, NDO को 37 और JLKM को 8% और अन्य के खाते में 10% मतदान का अनुमान है। माई एक्सिस एग्जिट पोल के अनुसार संताल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में इंडिया गठबंधन आगे है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की 25 सीटों में इंडिया गठबंधन को 12, NDA को 11 और JLKM को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं संताल परगना प्रमंडल की 18 सीटों में इंडिया गठबंधन को 15 और NDA को 3 सीटें मिल सकती है। इसी तरह से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में इंडिया गठबंधन को 12 और NDA को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो टाइम्स नाउ JBC एग्जिट पोल रिजल्ट 2024 के मुताबिक BJP लीडिंग NDA गठबंधन को राज्य में 42 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। JMM के नेतृत्व वाले UPA गठबंधन को यहां 38 से ज्यादा सीटें मिल सकती है। अन्य की बात करें तो यहां सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। चाणक्या के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में NDA गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिल सकती है। JMM के UPA गठबंधन को 35 से लेकर 38 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं 3 से लेकर 5 सीटें अन्य को मिल सकती है। तो यह जो सर्वे है इसके अनुसार अधिकांश झारखंड में BJP की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम माई एक्सिस एग्जिट पोल की बात करें तो माई एक्सिस एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर से हेमंत सोरेन की वापसी हो सकती है और UPA की सरकार झारखंड में बन सकती है। हालांकि चुनाव परिणामों का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि चुनाव परिणाम में कौन किस पर भारी पड़ता है।